नमस्कार मित्रों, आज हम आपके पास फिर से आए हैं और इस बार एक नई शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश शर्मा और आप फरीदाबाद से हैं और मौलिक भारत के NCR के कोषाध्यक्ष हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है, युवाओं के विभिन्न विषयों को ये समाज स्तर पर उठाते हैं और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के साथ युवाओं के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ उठाते हैं। इसके अलावा राजनीति के ऊपर भी आपके अपने विचार हैं कुछ, तो आपको हम इनसे मिलवाएं लाएं और अब जानेंगे कि ये इसके अपने बारे में और राजनीति के बारे में और सामाजिक मुद्दों के बारे में आज हम वेद प्रकाश शर्मा जी से बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार वेद प्रकाश जी। मैं मौलिक भारत से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरे मार्गदर्शक मेरे अग्रज आदरणीय अनुज अग्रवाल जी जिन्होंने मुझे जो है इस संस्था के साथ आबद्ध किया और मुझे बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रमुखता से जो है एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम किया है और उन्हीं को देखते हुए उनके एक्टिविज्म को देखते हुए और संघ संस्था के उस मौलिक भारत के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर राष्ट्र निर्माण में एक महती भूमिका जो टीम मौलिक भारत कर रही है उससे एक मुझे प्रेरणा मिली और इस प्रकार से मेरा जो है मौलिक भारत के अंदर आना हुआ कि जो एक उद्देश्य है एक संस्था का उद्देश्य है कि एक गैर राजनीतिक उद्देश्य लेके भी हम लोग जो है समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण में काम कर सकते हैं, जिसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया और ऐसे मेरा जो है मौलिक भारत में आना। मौलिक भारत से आप कब जुड़े थे, कितना समय हो गया? मौलिक भारत से मुझे लगभग जुड़े हुए 5-6 वर्ष हो गए, क्योंकि जब 12-13 में मौलिक भारत का जो है गठन हुआ और जिस प्रकार से जिस तत्परता से और जितनी ईमानदारी से जो है देश भर के जो है युवाओं को जोड़ने का काम किया इस संगठन ने, जिस प्रकार से जो है सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ने का काम किया और एक राष्ट्र का राष्ट्रीय आंदोलन जो खड़ा करने का प्रयास किया, उसने निश्चित रूप से सिर्फ मुझे ही नहीं तमाम युवाओं को प्रेरित और प्रभावित किया और फिर मेरा जो है संगठन में जुड़ना हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं मौलिक भारत ने समाज के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं समय समय पर और उनमें से एक मुद्दा DND टोल ब्रिज का भी रहा है जी, जिसके लिए मौलिक भारत ने बहुत काम किया है, तो आप उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके लिए कैसे मौलिक भारत ने मतलब अपनी लड़ाई छेड़ी थी? देखिए, सबसे पहले जो मौलिक भारत का जो एक उद्देश्य है कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय हितों के आंदोलन और राष्ट्रवादी लोगों के प्रायोजित आंदोलन, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 से पहले इस देश के अंदर तमाम ऐसे जो है विदेशी NGO INGO द्वारा पोषित प्रस्तावित आंदोलन होते थे जो कहीं ना कहीं हमारे देश की गति को रोकने का काम किया करते थे। तो मौलिक भारत का जो एक पहला उद्देश्य है कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के सोचों को राष्ट्र की सोच को मजबूत करने वाला राष्ट्रवादी लोगों का प्रायोजित जो है आंदोलन हो, तो DND एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने देश के अंदर NCR के अंदर लोगों को इस चीज के लिए कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया कि यदि आप जो है एक अच्छे कॉज के लिए खड़े होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचिए, दिल्ली से रोज जो है लाखों की संख्या में जो है नोएडा के अंदर लोगों का आवागमन होता था और उसके बाद वहां पर एक कंपनी किस प्रकार से दैनिक रूप से जो है करोड़ों का कारोबार करती है, जबकि प्रत्येक टोल व्यवस्था की एक अवधि होती है कि इस अवधि तक आप जो है लोगों से टैक्स वसूलेंगे, पर क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी प्रवृत्ति रही, एक इग्नोरेंस की प्रवृत्ति रही और उस इग्नोरेंस में जो है ये राजनीतिक साठगांठ का जो तड़का लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी हमारी जेब पर भारी पड़ता है। अच्छा, वो एक ऐसा भारी पड़ता है हमारी जेब पे, शायद हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। तो जब समाज के कुछ लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया, चिंतन किया कि ये चीज़ जो है रोज जो है हमारे लोगों की जेब पर जो है लगभग 100 रुपए की चपत लगती है और ये तो इसकी जो है अवधि समाप्त हो चुकी है और ये कैसे किसके संरक्षण में ये जो है फल फूल रहा है, जब इसके ऊपर चिंता व्यक्त की गई तो मौलिक भारत की पूरी टीम ने एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि सरकारें मजबूर हो गई कि इस प्रकार का जो एक सरकारी संरक्षण में जो है कॉरपोरेट और जो है पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन का जो है एक भ्रष्टाचार चल रहा था। आप सोचिए, ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है और तमाम ऐसे उदाहरण हैं
जिसके ऊपर जो है आज हम लोग आरटीआई के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है टाइम एंड अगेन एक्सपोज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सरकारों को जनता के प्रति, जनता के पैसों के प्रति एक जवाबदेही बनाने के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप मौलिक भारत के अलावा और किस क्षेत्र में, किस सामाजिक युवाओं के समाज के क्षेत्र में आप और क्या क्या जो है इसके ऊपर? देखिए, मौलिक भारत के अलावा मैं विभिन्न संघ संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं और हम देशव्यापी रूप में युवाओं के लिए काम करते हैं। मैं एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भी काम करता हूँ और जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि देश के टैलेंटेड युवाओं को किस प्रकार से जो है एक मूलधार में लाया जाए और देश के युवाओं की जो है कैसे राजनीतिक, सामाजिक और जो हमारे आज के विषय वस्तु हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए उस पर हम लोगों को ग्रूम भी करते हैं, उस पर हम एंगेज भी करते हैं और एक सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है उसके लिए भी हम युवाओं को रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करते हैं। चाहे वो बाबा रामदेव द्वारा जो है आशीर्वाद प्रदत्त भारत स्वाभिमान मान हो, चाहे सतपाल महाराज द्वारा जो है प्रेरित मानव उत्थान सेवा समिति हो, चाहे हमारे अनुज जी अग्रवाल जी के नेतृत्व में मौलिक भारत हो, और इसके अलावा जो है अन्य जो है बायलेटरल रिलेशंस पे काम करने की तमाम संघ संस्थाओं के साथ मिलकर हम एक युवाओं की एंगेजमेंट और युवाओं को जो है मोबिलाइज करने का काम करते हैं। मौलिक भारत की तरफ से युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मौलिक भारत एक ऐसा संगठन है जो सबसे पहले युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं जो आज की इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं काम के पीछे ही भाग रहे हैं, एक वो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं कम होती हुई या उसके प्रति हम जो है इग्नोरेंट होते हुए नजर आते हैं, हम मौलिक भारत के माध्यम से युवाओं के अंदर उस सुषुप्त राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसके प्रति जो है आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र के जो हितों के विषय हैं उसके प्रति जो है राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद क्या है उसके विषय में लोगों को जो है एंगेज और इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। तो आज हम देश के 20 से अधिक राज्यों में जो है युवाओं को जो है तैयार कर रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं और उनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं, उनकी सोच का विकास कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल जो समझ का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है हम प्रेरित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आप हमारे स्टूडियो में आए और धन्यवाद, आपसे ऐसे ही मिलते रहें आगे हम। धन्यवाद। तो आगे आपके विचार जानते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।